Hello everyone, topic for today's class is sound, and in its third part you will get to learn about noise and music, noise pollution, harms of noise pollution, measure to limit noise pollution. Noise and music, as I told you in the previous class, कि जो साउंड हमको अच्छे लगते हैं, प्लीजेंट सूदिंग होते हैं, जो हमको सुनने में अच्छे लगते हैं, वही सारे साउंड्स क्या कहलाते हैं? म्यूजिक. म्यूजिक रेफर्स टू प्लीजेंट साउंड्स विच वी वुड लाइक टू हियर. फॉर एग्जांपल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, गिटार, वायलिन एक्सेट्रा. Your favorite singer singing a melodious song. तो ये सब क्या है? ये है music, जो हमको सुनने में अच्छा लगता है, या जो जिसका जो sound होता है वो अच्छा होता है, pleasant होता है, pleasant sound होता है, वो होगा music. और इसका just opposite noise, जो हमको सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, unpleasant sound होगा, वो होगा noise. Sound which are unpleasant to hear are termed as noise. For example, honking of vehicles, crackers, explosions. नीचे पिक्चर में भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, म्यूजिक है और नॉइज का एग्जाम्पल दे रखा है. नॉइज पॉल्यूशन. नॉइज पॉल्यूशन क्या होगा? हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे एनवायरमेंट में अगर कुछ भी अनवांटेड साउंड्स क्रिएट होते हैं या हमको सुनाई देते हैं, तो हम जो हमको सुनने में अच्छे नहीं लगेंगे, तो वो सब क्या क्रिएट करेंगे? वो सब क्रिएट करेंगे नॉइस पॉल्यूशन, या फिर इनकी प्रेजेंस से क्या क्रिएट होगा? नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होगा. तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स इन द एनवायरमेंट अराउंड अस इज कॉल्ड एज नॉइज पॉल्यूशन. तो इसके सोर्सेस क्या क्या होंगे जहां से नॉइज पॉल्यूशन जनरेट होता है, क्रिएट होता है? पहला है व्हीकल्स. रोड पे आपने देखे होंगे बाइक, कार्स, स्कूटर्स एसेट्रा, ये सारे क्या करते हैं? इनसे क्या होता है? नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट होता है. अगर कोई कंटिन्यूस हॉर्न बजाता रहेगा तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो क्या क्रिएट कर रहा है? नॉइस पॉल्यूशन. ट्रैफिक में आप खड़े हो, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो, तो वहाँ पे अगर कंटिन्यू अगर बाइक या कार चालू है तो वो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा. अगर बहुत सारे व्हीकल्स एक साथ खड़े हैं, हॉर्न बजा रहे हैं या फिर वो चालू है, तो वो सारे एक साथ क्या क्रिएट करेंगे? नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे. सेकेंड इज एक्सप्लोजन. कहीं भी एक्सप्लोजन होता है तो वो साउंड भी अच्छा नहीं लगता है सुनने में, वो भी क्या क्रिएट करता है? नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करता है. बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, यूज मशीन्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स और फैक्ट्रीज, लाउड स्पीकर्स, टीवी, म्यूजिक सिस्टम प्लेड एट हाई वॉल्यूम्स, सम किचन एंड होम अप्लायंसेज लाइक मिक्सर्स, ACs एक्सेट्रा, ये सारे क्या क्रिएट करते हैं? नॉइस पॉल्यूशन. ये सारे नॉइस पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं. एग्जाम्पल दे रखे हैं, लाउड स्पीकर है, क्रैकर्स है, और जैसे देख सकते हैं नीचे वाले पिक्चर में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं नॉइस पॉल्यूशन के. जैसे यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे ट्रैफिक है, यहाँ पे ट्रेन है, एरोप्लेन है, लाउड स्पीकर है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है. और बाकी जो साउंड्स डिफरेंट डिफरेंट जगह से जनरेट होते हैं जो नॉइस क्रिएट करते हैं, और वही क्या जनरेट करेंगे? नॉइस पॉल्यूशन. हार्म्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन. अब इससे हार्म क्या क्या होगा, इससे नुकसान क्या क्या होता है? नॉइस पॉल्यूशन मोस्टली लीड्स टू हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स सच एज. अब इससे कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे एंजाइटी एंड स्ट्रेस, हाइपरटेंशन,
और हाई बीपी, लैक ऑफ स्लीप. प्रोलॉन्ग एक्सपोजर कैन लीड टू टेम्पररी और इवन परमानेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट. अगर नॉइस पोल्यूशन के साथ अगर ज़्यादा टाइम तक रहते हैं या हम ऐसे एरिया में हैं जहाँ नॉइस पोल्यूशन कंटिन्यूस हो रहा है, तो हमको टेम्पररी या फिर परमानेंट हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है. या तो हमको थोड़ा कम सुनाई देगा या फिर बिल्कुल ही सुनाई देना बंद हो जाएगा. मेजर टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशन. नॉइज पॉल्यूशन कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या मेजर्स होते हैं देखते हैं. इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री यूनिट्स विच प्रोड्यूस लॉट ऑफ नॉइज शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज. इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज जो होती हैं, क्योंकि बहुत सारा नॉइस क्रिएट करती है, नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करती है, इसलिए उनको रेसिडेंशियल एरिया से बाहर दूर बनाना चाहिए. और साइलेंसर्स या फिर साइलेंसिंग डिवाइसेज शुड बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट्स, इंडस्ट्री एंड होम अप्लायंसेस विच टेंड टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइस. हमको एयरक्राफ्ट में, इंडस्ट्रीज में या फिर होम अप्लायंसेस में जो जो ये नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, वहाँ पर हमको साइलेंसर्स का या साइलेंसिंग डिवाइसेस का यूज करना चाहिए. लॉट ऑफ ट्रीज शुड बी बिल्ट अराउंड सच फैक्ट्री यूनिट सो दैट दे एब्जॉर्ब साउंड एंड प्रोटेक्ट द रेसिडेंशियल एरियाज अराउंड देम फ्रॉम द लाउड नॉइस. तो फैक्ट्री यूनिट्स जो है उनके चारों तरफ बहुत सारे ट्रीज लगाने चाहिए. तो उससे क्या होगा, वो जो भी नॉइस क्रिएट हो रही है अंदर, वो सब क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेंगे. ये ट्रीज जो है उस साउंड्स को या उस नॉइस को एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड प्रोटेक्ट द रेसिडेंशियल एरियाज अराउंड देम फ्रॉम द लाउड नॉइस. मिनिमल यूज ऑफ हॉर्न्स इन व्हीकल्स, नो हॉन्किंग. हॉर्न का जब यूज करना हो, जब रिक्वायरमेंट हो, तभी हमको हॉर्न का यूज करना है, बिना बजे हॉर्न नहीं बजाना है. लो वॉल्यूम फॉर टीवी म्यूजिक सिस्टम एट होम. घर पे है तो ज़्यादा वॉल्यूम की जरूरत नहीं होगी, इसलिए हमको टीवी को और म्यूजिक सिस्टम को लो वॉल्यूम पे ही सुनना है, तो हमको ही प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही हमारे आसपास नेबर को प्रॉब्लम हो. अवॉइड और मिनिमाइज यूज ऑफ क्रैकर्स. हमको जितना हो सके उतना क्रैकर्स का यूज जो है अवॉइड करना चाहिए, और लेकिन अगर आप यूज करते भी हैं तो मिनिमम करना चाहिए, कम से कम क्रैकर्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे नॉइस पोल्यूशन भी नहीं होगा, साथ ही साथ एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा. जैसे यहाँ पे दे रखा है एग्जांपल, नो हॉर्न जोन्स और लो वॉल्यूम फॉर टीवीज, जहाँ पे हॉर्न रिक्वायरमेंट नहीं होती. जैसे कहीं पे दे रखा होता है कि नो हॉर्न्स जोन होता है, वहाँ पे हॉर्न बजाना नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, हॉर्न बजाते हुए निकलते हैं. तो जहाँ रिक्वायरमेंट है वहीं हमको हॉर्न बजाना है, और म्यूजिक सिस्टम टीवी जो है उनको लो वॉल्यूम पर यूज़ करना है. जितना रिक्वायरमेंट है उतनी वॉल्यूम रखनी है. आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू.